करण कुमार, अग्निहोत्री, एनएम न्यूज़। 2 अक्टूबर को एनएम न्यूज़ की तरफ से देशवासियों को और गोलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं बताता चलता हूं, गोला कोतवाली में पीस कमेटी रखी गई। आगामी त्यौहार को लेकर कल जैसे नव दुर्गा चालू होने वाले हैं और दशहरा, उनमें कई बिंदुओं पर बात किया गया। प्रशासन भी मौजूद रहा, व्यापारी भी मौजूद रहे और मेला रामलीला कमेटी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और राष्ट्रीय बजरंग से भी लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, काफ़ी लोग थाने में उपस्थित रहे, प्रतिष्ठित आदमी वहां पर सब उपस्थित। कई बिंदुओं पर बात हुई, जैसे कि मूर्ति जो नवदुर्गा में लोग विसर्जन करने जाते हैं और सही ढंग से विसर्जन नहीं कर पाते। अभी कुछ गणेश उत्सव को लेकर SDM और गणेश उत्सव पर उनके द्वारा काफ़ी कुछ दिक्कत हुई थी। इसी में आपको मैं बता दूं, पारस मिश्रा का यह कहना था कि मूर्ति खंडित हो जाती हैं और विसर्जन सही नहीं हो पाता, इनको इसलिए नदी में विसर्जन किया जाए। और आपको मैं ये बता दूं, दशहरा में रावण जो फूका जाता है उसको लेकर भी कहा कि प्रशासन जो भी बिंदु जहां पर भी पुलिस प्रशासन लगाए वहां पर देखे कि लोग रावण जब फूकता है तो लोग भगदड़ मचाते हैं, तो कई लोगों को चोट भी लग जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग 10,000 लोग रावण के मेले में देखने पहुँचते हैं। आपको मैं ये भी बताता चलता हूँ कि यहाँ पर कुछ जो नियम आए हैं, जैसे नवदुर्गा में कोई अंडा हुआ, मछली हुआ, मीट की दुकानें ना खोली जाएं, जिससे हिंदू धर्म की आस्था को खराब हो। यहीं पर काफ़ी लोगों ने अपने रुझान और सुझाव रखे। और आपको बता दें, गोला कोतवाली में CO, तहसीलदार और गोला प्रभारी निरीक्षक भी उपस्थित रहे, आप देख सकते हैं। यहाँ भी है, वही शहर का हाल है। जब यहाँ रावण जल जाता है तो पूरी भीड़ लकड़ी लेने के लिए भागती है। देखिए, एक चीज हो, आपकी कमेटी है, हम आपकी सुरक्षा में रहेंगे। आपकी कमेटी के लोग एक अलग ड्रेस में होंगे, आप चाहे कोई भी रख लीजिए, चाहे कोई गमछा रख लीजिए, रिवर रख लीजिए या अलग कोई ड्रेस, ताकि वो उन भीड़ को संभाले। हमारे रोकने से, हमारे संभालने से फिर वही बात हो जाएगी, हमारी आस्था को आप चोट पहुंचा रहे हो, जैसे हम तो है ही नहीं उस आस्था के, है ना। तो बारात किस दिन निकलेगी? 4 तारीख को। 3 तारीख को प्रतिमा स्थापित होगी, 4 को राम बारात, यही 4 कहाँ पे? वो भी जन उसकी शक्ल में आएगा, कितने आदमी होंगे? बैंड बाजा DJ डेली निकलेगी, वहाँ से आएगी यहाँ मेला मैदान, ठीक है। अच्छा, 3 तारीख को जो बारात बता रहे, सिर्फ बारात 4 को, उसमें क्या क्या होगा? लगभग कितनी झांकियां होंगी? 5-6 झांकियां होंगी उसमें। जो टाइम आप दे रहे हो, अरे आधा घंटा इधर उधर हो जाए, फिर क्रम से वो चलता रहे। रात के बाद राम बारात कब है? तारीख बता, 7 तारीख, उसमें कितनी झांकियां होंगी? कितनी झांकियां होंगी भैया? 7 बैंड जोड़ीजे, भीड़ देहात की भी आती होगी देखने, सड़कों पे भी खड़ी होती होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। रूट क्या रहेगा वो कोतवाल साहब को दे देना, पहले से है। अच्छा, गौतम जी, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर उपस्थित, हमारे इंस्पेक्टर साहब के सहयोग हुआ, लेकिन वो किन्हीं कारणों बस क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस दिन कई लोगों से कहा और आपसे आज रूबरू मैं कहना चाहता हूँ,
और हमारे जो लोग नगर के हमारे राममोहन सोनी जी बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो विसर्जन की व्यवस्था है वो नहर में नहीं होनी चाहिए। नहर में हमारे आदरणीय कैलाश चंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, नहर में नहीं होनी चाहिए। नहर का पानी आज है कल नहीं होगा, और आप जो मूर्ति का विसर्जन कराए हैं तो उसका विसर्जन भी नहीं हो पाएगा कल, उसको उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, खुले में पड़ी रहती है। नहर नदी में, नदी किसी के मतलब न कोई उसको बंद कर सकता है। और मेरा ये मानना है और मेरा ये सुझाव है कि नदी में ही विसर्जन किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी एक भैया ने कहा वो वहाँ घड़ियाल है, ये है, वो है, मगरमच्छ है, तो उसकी व्यवस्था वन विभाग करेगा, हमारे अधिकारी बैठे हैं वो करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये आपको मगरमच्छ के आगे थोड़ी भेज देंगे। लेकिन नदी में होना चाहिए ताकि मूर्ति जो विसर्जन कर रहे हैं उसका सही तरीके से विसर्जन हो जाए। वो कल आप नदी में विसर्जन करके आएंगे वो खुली आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात अभी एक समस्या की बात करें कि यहाँ थोड़ा सा सोचो साहब और बैठे हैं, ये जो बुलेट मोटरसाइकिल बिना साइलेंसर के नगर में जो चलती हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इस पर ज़रा गौर किया जाए। और रही रामलीला वाली बात, रामलीला भी सकुशल यहाँ हमेशा निपटा है, कोई कभी घटना नहीं हुई है। भीड़ लगभग 5 से 10 हज़ार की हो जाती है मेले में दशहरे वाले दिन, और ज़्यादा बात न करके ये पीस कमेटी की बैठक हमेशा होती रही है। मैं सन 1988 से व्यापार मंडल से जुड़ा, तब से देख रहा हूँ, जबकि कोई छोटा बड़ा त्यौहार आता है, जब कोई प्रोग्राम आता है, तो हम शासन प्रशासन के साथ, हम जनता के लोग, मोहज़्ज़ज लोग बैठ करके इसी तरीके से वार्ता करते हैं ताकि नगर में जनमानस को कोई कठिनाई ना हो। हमारे हिंदू मुस्लिम सब, और गोला ये जिला हमारा लखीमपुर, ये मिसाल है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता थी, है और आगे भी रहेगी, ये मिसाल है। मैं 4 पंक्तियाँ देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, हमारे और भी 1-2 जो अपनी बात कहने वाले हैं वो कहेंगे। हमारे शहर कोतवाल साहब, क्राइम इंस्पेक्टर साहब, सभी सम्मानित चौकी इंचार्ज, पत्रकार भाइयों तथा गोला क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, ये मैंने हमेशा कहा, हमारे दोनों अधिकारी नए हैं, लेकिन गोला एक ऐसी नगरी है जहां आपको गंगा जमुना तहजीब वाकई में दिखाई देगी सर। अंदर तक हम लोग जो है आपस में मिले हुए, मुझे सौभाग्य है कि आज इस मीटिंग में भी मुझे चांस दिया पंडित जी ने, समझे, यही हमारी एक वो है, हम हर दुख सुख में हमारे लोग खड़े होते हैं। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के हमेशा निवेदन करते हैं, हमारी जहां जरूरत हो मैं आपके साथ में रहूंगा, ये बनाए रखें, इसी में हमारा, हमारे देश का, हमारे जिले का भला है, हमें इसको नहीं भूलना है। छोटी मोटी कमियों को आपस में ही बैठ के हो जाना है, हमारे अधिकारी लोगों की छत्र छाया में हम लोग अच्छे से त्यौहार मनाए, चाहे दुर्गा जागरण हो चाहे दशहरा हो। अब तक हम लोग बचपन से अब तक दशहरा देखते चले आए, उसी में हम लोग भी शामिल होते हैं। हम लोगों को भी खुशी होती है कि भाई त्यौहार तो त्यौहार होता, त्यौहार जो है खुशी का त्यौहार होता है ना, कहीं पर किसी भी तरीके की अपने भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के कहीं पर कहीं जरूरत पड़े गोला क्षेत्र में मैं आपके साथ में पूरी तरीके से हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। आज 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले, इनको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। और बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं, समझिए, मैं अपने नए कोतवाल साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, सीओ साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, इसी तरीके से हमारे व्यापारी भाइयों का आपको सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय
तहसीलदार साहब, आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय कुतवाली प्रभारी गोला, आदरणीय क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पांडे जी, उपस्थित पत्रकार बंधु और सभी चौकियों के चौकी इंचार्ज महोदय, सम्मानित नगर के सभासदगण, सम्मानित व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित ग्रामीण से आए प्रधानगण, आदरणीय राजा साहब, इनका हमेशा नगर के लिए बड़ा शालीन स्वभाव रहा है और हमेशा वो एकता की। मेला कमेटी भी अपनी बहुत जिम्मेदारी से कार्य करती है, बस आप लोगों को सिर्फ निगरानी रखनी है, बाकी ये बहुत सब सजग हैं। जो प्रतिमाएं रखी जाती हैं उनमें भी आज तक कभी कोई विवाद हमने नहीं सुना है, ना कोई आया है। और आप सब लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा है आपकी बस देख रेख रहे। और आपने जो सभी लोगों को, आदरणीय कोतवाल साहब ने अपना नंबर पर्सनल दिया, मैं उसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कभी भी कोई दूसरी बात और कही कि कभी कोई समस्या हो, कभी किसी व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं, अपने आप स्वयं आए। मैं सर ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 5वीं बार का सभासद भी हूँ नगर पालिका का, 25 साल से लगातार। हम आज तक अपनी बाढ़ की समस्या को लेकर कभी भी कोतवाली नहीं आया होगा कि जब भी कोई समस्या होती हम डायरेक्ट भेजते हैं, ये तुम्हारी बात न सुनी जाए तब हम आपके साथ चलेंगे। तो आज तक तो कभी कोई ऐसी बात आई नहीं, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी यदि कोई समस्या होगी तो आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथी व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष राम मोहन सोनी जी, हमारे सभासद आनंद सोनी जी, अनिल गुप्ता जी, राजेश वर्मा जी, इजरान भाई और हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद गुप्ता जी, अब वर्तमान समय में वो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद किया है। सहयोग से इंस्पेक्टर कोतवाली भी साथ ही में आए हैं, मैं लगता दो चार दिन का अंतर बने रहा हूँ तो। और हम आपके बल्कि हमारे तहसीलदार साहब आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, क्राइम इंस्पेक्टर और हमारे पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण यहाँ पर उपस्थित, दूर दराज से आए सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आए, चतुर्दशी के जितने भी पदाधिकारी कर्म थे, उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं पानी आया, पानी नहर में आना चाहिए था, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं होता। जैसे अभी बताया गया कि ये सिंचाई विभाग का मामला था तो प्रयास किया गया, लेकिन एक विकल्प होता है, अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरे विकल्प में रूप में चुनी जाती, तो दूसरी जगह विसर्जन हो गया। तो यहाँ पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते प्रकार की जो है यहाँ पर कोई बात हुई हो, तो हम तो समझते हैं कि यहाँ पर एक से एक अधिकारी आए हैं और उन्होंने मित्रवत व्यवहार सबसे रखा। हम तो आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी को लखीमपुर से जानते सुनते हैं कि उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा और समाज के लिए। हमारे अभी यहाँ पर पूर्व निरीक्षक जो पूर्व प्रभारी निरीक्षक हैं, अरविंद पांडे, इनसे फोन पर बात हुई थी, उन्होंने कहा वो तो हमारे साथ रहे, हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। अरविंद पांडे जी यहाँ 18 महीने रहे था, 18 महीने का कार्यकाल बहुत होता है। तो बाकी डीपी तिवारी साहब रहे 14 महीने। कहने का मतलब यह है कि जब तक भगवान की कृपा है यहाँ पर रहने की, तब तक आपको कोई हिला नहीं सकता, ना कहीं आपको कोई भेज सकता। भगवान के शरण में हम लोग रहते हैं, भोलेनाथ की कृपा हम लोगों पर बरसती है। और यहाँ तक कि गोला नगर की बात है, नगर पालिका परिषद ने भी बराबर काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने की जो परंपरा हमारे गोला नगर वासियों की है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अधिक न कह करके इन्हीं शब्दों के साथ अपने नवागंतुक पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, प्रभारी निरीक्षक महोदय, उपस्थित गोला नगर के गणमान्य साथियों, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा,
अनुभवशाली लोगों ने अपनी बात कही है, लेकिन मैं एक बात के लिए प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे बैठे आश्वस्त करना चाहता हूं कि गोला नगर की जो तहजीब है, जब ईद या महरमहंदन भाई को जुलूस निकालते हैं तो हिंदू भाई चौराहे पर खड़े होकर के गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, और जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो भाईजान आगे बढ़ करके हमारा सहयोग करते हैं। ये हमारी तहजीब है, और आप एक अधिकारी है, गोला थाना के आप मुखिया हैं, आपका जो सबसे कमजोर सिपाही हो उसको लगा दीजिएगा, ये कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाएगा, आपके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। सीओ साहब, तहसीलदार साहब, कोतवाल साहब, हमारे हल्का इंचार्ज साहब चौधरी जी, हमारे आए हुए सम्मानित सभासदगण, हमारे नगर से आए हुए व्यापारी बंधु, सर अभी हमारे बड़े भाई रामलीला के मंचन को लेकर कुछ समझा रहे थे, तो शायद आप समझ ना पाए या वो समझा ना पाए हो। मंचन राम जो राम जो रामायण की लीला है, वो रामलीला जानकी से रथ जाता है पर डे, जब तक मेला का मंचन होता है, दिन में रामलीला होती है और शाम को वही पार्टी, शाम को अपना वहाँ पे जो है रासलीला का करते हैं। तो इसीलिए, और ये आपके दूसरी चीज रामलीला की हो गई, और आपके ये दुर्गा जागरण, इसमें सर आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे वार्ड में भी एक मूर्ति रखी जाती है, छोटे छोटे बच्चे उस मूर्ति को कहीं से लाते नहीं हैं, वही बनाते हैं, और पूरा सजा के विधिवत इस जैसे स्थापना होती है, फिर उसका विसर्जन भी होता है। गली ब्लाक है, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन कई वर्षों से होती चली आई है, मैं वहाँ खुद जाता हूँ, और कोई वाद विवाद नहीं है। और इसी तरीके से होली ग्राउंड भी हमारे वार्ड में है, तो ये सब चीज़ें जो हो रही है पहले से जानकारी, कई वर्षों से एक पुतला मोहल्ले के लड़के होली ग्राउंड एक पड़ा हुआ है, उसमें करीब करीब 7 फुट 5 7 फुट का पुतला बनता है, एक दहन वहाँ भी होता होली ग्राउंड में। दूसरा पुतला इधर लखीमपुर रोड पे नारायण बल्ली गली में होता है, कई वर्षों से होता चला आया है, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहा बता दें आपको। जय हिंद जय भारत। उस समय एकदम से ऐसी भगदड़ मस्ती है, जो जिधर पाता उधर भागने के लिए प्रयास करता है, उसमें ऐसी भगदड़ में कोई नीचे दब जाए, कुछ हो जाए, उसमें मेला कमेटी के जो पदाधिकारी होते हैं वो भी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, इतनी जोर भगदड़ होती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद जय भारत। बल पे और अपनी सेना के बल पे मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत आराम से त्यौहार बीत जाएगा और किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। थैंक यू। इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।